प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन की कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग केंद्रीय सचिवालय के बारे में पढ़ रहे थे। इसके तहत हम लोगों ने केंद्रीय सचिवालय का क्या अर्थ है, उसकी क्या संरचना है और केंद्रीय सचिवालय की क्या भूमिका है, इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम केंद्रीय सचिवालय जो है उसके कार्यों के बारे में देखते हैं। केंद्रीय सचिवालय क्या है? एक स्टाफ एजेंसी है और इसका कार्य जो है वो भारत सरकार को उसकी जिम्मेदारियां और कर्तव्यों के निर्माण में क्या है, सहयोग प्रदान करना है। स्टाफ का मतलब यही होता है जो मुख्य कार्यपालिका होती है, जिसकी जिम्मेदारी होती है तो उसको क्या है, सहायता प्रदान करना। उसमें वो तथ्य, पूर्व में लिए गए निर्णय या कोई ऐसी बात जो क्या है कार्यपालिका को आवश्यक हो तो उसके मामले में क्या है, उसको क्या है, सहायता प्रदान करता है, ताकि क्या है मुख्य कार्यपालिका अर्थात भारत सरकार जो है वो क्या है अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्यों के निर्माण में सहायता इसकी ले सके। इसी से जुड़ी हुई कुछ आगे चीज़ें भी हैं कि जो केंद्रीय सचिवालय है वो क्या है, सूचना भंडार के रूप में काम करता है और उसमें क्या है पिछले वर्षों की जो कार्रवाइयाँ हैं और जो कार्य किए गए हैं वो उनका क्या है संग्रह होता है। तो उनके प्रकाश में ही या उनके अपलिफ्टमेंट के लिए या उन्नयन के लिए यूँ कहें, उसमें फिर क्या है भावी नीतियाँ और जो भी आने वाली समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाता है और जो वर्तमान में करंट में जो भी कार्यक्रम या योजनाएं या नीतियाँ जो चल रही है उनकी जाँच का कार्य भी क्या है केंद्रीय सचिवालय करता है और इस मामले में क्या है सरकार की वो सहायता करता है। इसके पश्चात कोई विषय जिस पर सरकारी स्तर पर निर्णय लिया जाना है तो उससे पहले क्या है उस विषय की क्या है विस्तृत क्या है जांच की जाती है और उस ये जो काम है जांच करने का निर्णय लेने से पहले जांच परख जो है उसके गुण दोष जो हैं स्वॉट एनालिसिस जिसको कहते हैं वो क्या है सचिवालय के द्वारा किया जाता है। वैसे कुछ अपने निम्नलिखित कार्य भी हैं उनका उल्लेख क्या है शासकीय पुस्तिका जो है उसमें क्या है सचिवालय के द्वारा क्या है मंत्रालयों और विभागों से जुड़े हुए क्या है कुछ कार्य भी बताए गए हैं। एक तो ये है कि सचिवालय, जैसा कि हम जान चुके हैं कि सचिवालय में जो मंत्रालय और विभाग जो हैं केंद्र सरकार के मंत्रालय और जो विभाग हैं उनका सामूहिक जो नाम है वो क्या है केंद्रीय सचिवालय, यानी केंद्रीय सचिवालय में क्या है सभी मंत्रालय जो भारत सरकार के हैं सभी प्रकार के जो विभाग हैं उनके हेड ऑफिस जो हैं उस सचिवालय के अंदर होते हैं। मंत्री वहाँ बैठते हैं, सेक्रेटरी बैठते हैं, काम करते हैं। तो भारत सरकार के जो मंत्री हैं उनको क्या है नीति निर्धारण करने और समय समय पर आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन करने में क्या है ये केंद्रीय सचिवालय मदद करता है, क्योंकि केंद्रीय सचिवालय के पास में क्या है सारे डेटा होते हैं। तो इस मामले में जो सेक्रेटरी वगैरह हैं वो क्या है काफ़ी हेल्प देते हैं। तो मंत्री को नीति निर्धारित करने में और उसके संशोधन करने में क्या है केंद्रीय सचिवालय मदद करता है। विधान अर्थात कानून बनाना और विनियम, जैसे रेगुलेशन है कोई तो विधान नियम विनियम जो बनाना है उसके मामले में भी क्या है केंद्रीय सचिवालय सहायता करता है। इसी प्रकार जो क्षेत्रीय सेक्टोरल प्लानिंग जो है और जो प्रोग्राम बनाना है किसी क्षेत्र विशेष के लिए उसके लिए या कोई वर्ग विशेष के लिए जो कोई कार्यक्रम बनाना है तो उस मामले में भी क्या है केंद्रीय सचिवालय सहायता करता है। और इसके अलावा मंत्रालय विभाग के कार्य से संबंधित व्यापक जो बजटीय प्रावधान है वो भी क्या है ये करता है, यानी किसी मंत्रालय और विभाग का जो बजट है उसको फाइनलाइजेशन क्या है ये देता है मंत्रालय और विभाग के। फिर ये मंत्रालय और विभाग के जो बजट हैं जो नीचे के ऑफिस से होते होते क्या है मंत्रालय के पास आ जाते हैं, विभाग से मंत्रालय के पास और मंत्रालय फिर आगे क्या है वित्त मंत्रालय को देता है, फिर वित्त मंत्रालय क्या है इसको बजट को फाइनल करता है, फिर वो क्या है संसद में पेश होता है और फिर पास होने के बाद में वो लागू हो जाता है। इसके अलावा जो संचालनात्मक कार्य हैं ऑपरेशनल फंक्शन जो हैं जो योजनाएँ हैं जो भी कार्यक्रम या योजनाएँ चल रही है उनमें संशोधन जो होना है और किसी भी प्रकार को उसमें प्रशासनिक या वित्तीय अनुमोदन देना है या लेना है तो ये सब काम क्या है केंद्रीय सचिवालय करता है। इसी प्रकार
जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट हैं या सेमी ऑटोनोमस जो फील्ड एजेंसीज हैं यानी अर्ध स्वायत्त कार्य क्षेत्रीय संस्थाएं और जो कार्यपालक विभाग हैं उनके द्वारा जो बनाई गई नीतियां और कार्यक्रम हैं उनके संचालन का और परिणामों का क्या है ये मूल्यांकन करता है। यानी कार्यक्रम और नीतियाँ तो बना दी जाती है मंत्रालय और विभागों के द्वारा, तो उसके पश्चात क्या है जो उसका मूल्यांकन है परिणामों का और संचालन का, उसका मूल्यांकन करने का कार्य भी क्या है केंद्रीय सचिवालय करता है। इसी प्रकार जो नीतियां हैं पॉलिसीज़ जो हैं उनकी व्याख्या करना और उनके बीच में समन्वय स्थापित करना और सरकार तथा उसकी जो अन्य शाखाएं हैं उनको भी क्या है उसमें सहायता करना है और राज्य प्रशासन से भी क्या है ये संपर्क बनाए रखता है। इसके अलावा मंत्रालय विभाग और इसकी कार्यपालक एजेंसियां जो है इन दोनों के जो कार्मिक और सांगठनिक क्षमता है उसको क्या है विकास करने का भी ये क्या है उपाय करता है या प्रयास करता है। इसके अलावा जिन संसदीय समितियों से क्या है मंत्री जुड़े होते हैं अर्थात इनके मेंबर होते हैं तो उन समितियों से संबंधित जो भी सूचना जानकारी मंत्री को चाहिए तो उसको भी क्या है उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी क्या है केंद्रीय सचिवालय की होती है। तो इस प्रकार से केंद्रीय सचिवालय जो है नीति निर्माण में, कार्यक्रम निर्माण में, उसके मूल्यांकन में, उसके क्रियान्वयन में और अन्य अनेक जो कार्य हैं कोऑर्डिनेशन से संबंधित, राज्य सरकार से संबंधित जिनसे क्या संपर्क बनाने का काम जो है ये सारे प्रकार के काम क्या है केंद्रीय सचिवालय क्या है संपन्न करता है। इसके बाद में हम एक और कॉन्सेप्ट है जो एक केंद्रीय सचिवालय से जुड़ा हुआ है ये है विपाटन प्रणाली स्प्लिट सिस्टम। तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं विपाटन प्रणाली क्या है। विपाटन प्रणाली क्या है मतलब भारत में क्या है नीति निर्माण और नीति का क्रियान्वयन दो चीज़ें हैं, मतलब ये पॉलिसी से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है। यानी एक तो क्या है नीति का या कार्यक्रम का निर्माण करना और दूसरा क्या है नीति या कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना। तो भारत में जो सचिवालय व्यवस्था है ये क्या है विपाटन प्रणाली पर क्या आधारित है और इसमें क्या किया गया है कि नीति निर्धारण के कार्य को नीति क्रियान्वयन के कार्य से क्या है अलग कराया गया है, अलग किया गया है। तो ये जो विभाजन की प्रणाली है वो सचिवालय को केवल क्या है नीति निर्धारण कार्य तक क्या है सीमित रखता है और इस प्रकार सचिवालय जो है वो नीति के कार्यान्वयन में क्या है दखल नहीं देता है। जब अर्थात जब नीति बनती है कार्यक्रम बनते हैं कानून जो बनते हैं उन कानून के बनाने में क्या है ये सरकार का क्या है सहयोग करता है अर्थात कानून निर्माण में इसका योगदान है सचिवालय का। जबकि वो कार्यक्रम या नीतियाँ जो बन गई हैं उनका क्रियान्वयन की जो जिम्मेदारी है वो क्या है कार्यपालक एजेंसियाँ हैं जिनको हम आम तौर पर क्या है मतलब निदेशालय कह देते हैं, आयुक्तालय कह देते हैं, बोर्ड कह देते हैं। तो ये कार्यपालक एजेंसियाँ जो हैं उनका काम क्या होता है नीति को क्या है क्रियान्वयन देना। जैसे अपने कॉलेज शिक्षा जो है उसका क्या है आयुक्तालय है तो आयुक्तालय जो है एक कार्यपालक एजेंसी है और जो उच्च शिक्षा विभाग जो है या उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है वो क्या है नीति निर्माण का काम करता है। पॉलिसियाँ कार्यक्रम रूल्स रेगुलेशन ऊपर से बन जाते हैं मंत्रालय और विभाग से और उनको फिर क्या है आगे आयुक्तालय जो है कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय जो है वो उसको क्या है क्रियान्वित करवाता है। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाता है एक स्प्लिट सिस्टम कहलाता है। यानी नीति निर्माण का कार्य, कार्यक्रम निर्माण का कार्य, कानून निर्माण का कार्य एक अलग एजेंसी के द्वारा किया जाता है और क्रियान्वयन का कार्य जो है वो किसी अलग एजेंसी के द्वारा किया जाता है। तो सचिवालय जो है उसका कार्य नीति निर्माण से जुड़ा हुआ है और कार्यपालक एजेंसियां जो है उसका कार्य नीति के क्रियान्वयन से अर्थात लागू करने से जुड़ा हुआ है। तो ये जो सिस्टम है ये क्या कहलाता है स्प्लिट सिस्टम विपाटन प्रणाली। इसके पश्चात में एक और कॉन्सेप्ट है वो है कार्यकाल प्रणाली टेन्योर सिस्टम। टेन्योर सिस्टम जो है वो 1905 से क्या है चला आ रहा है और सबसे पहले भारत में क्या है लॉर्ड कर्जन जो थे उनके शासनकाल में क्या है ये टेन्योर सिस्टम शुरू हुआ था। टेन्योर सिस्टम में क्या होता है
जैसे अपने संघ लोक सेवा आयोग जो परीक्षा लेता है यूपीएससी सिविल सेवा एग्ज़ाम की, तो उसमें क्या है, तीन तो होती है अखिल भारतीय सेवाएं। तो अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं उनके नाम मैं बता देता हूँ। एक तो होते हैं आईएएस, एक आईपीएस और एक होता है आईएफएस। आईएएस जो है उसका पूरा नाम है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, अर्थात भारतीय प्रशासनिक सेवा। जिला कलेक्टर का जो पद है वो आईएएस का पद है, और अपने जो कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय है तो उसमें आयुक्त तो जो है वो भी आईएएस है। तो आईएएस की पोस्ट अलग अलग जगह होती है, और ये क्या है, विभागों में क्या है, सर्वोच्च अधिकारी के रूप में ही जनरली नियुक्त होते हैं। इसके अलावा दूसरी जो पोस्ट है वो है आईपीएस, वो है भारतीय पुलिस सेवा। जो एसपी है वो आईपीएस होते हैं, आईजी, डीआईजी, डीजी, ये सब आईपीएस हैं। और एक होती है आईएफएस, भारतीय वन सेवा। ये क्या है, जो वन संरक्षक जो होते हैं तो वो क्या है आईएफएस होते हैं, ये भी अखिल भारतीय सेवा है। अब केंद्र के अंदर क्या है, जो सचिवालय है उसमें क्या है, केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं वो तो केंद्रीय सेवाएं जो होती हैं, जैसे रेलवे है, आयकर है, कस्टम है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से केंद्र सरकार के जो विभाग है उसमें भी क्या है कि ये केंद्रीय सरकार के जो हैं कर्मचारी काम करते हैं। अब ये जो तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं इनको क्या है राज्यों में लगाया जाता है, तो राज्यों का क्या इनका कैडर होता है। तो अब क्या है, वो क्या है राज्य के कैडर में क्या काम करते रहते हैं। जब कभी केंद्र सरकार को क्या है आईएएस अधिकारियों की आवश्यकता पड़ती है तो इनको क्या है टेन्योर प्रणाली के तहत, कार्यकाल प्रणाली के तहत निश्चित अवधि के लिए क्या है सचिवालय में क्या है लगा लिया जाता है। यानी राज्य में तो ये काम कर रहे हैं, राज्य का कैडर इनका है, ठीक है ना। अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, अपने आईएएस की बात करते हैं तो इन आईएएस को फिर क्या करते हैं सचिवालय में या मंत्रालय में या विभाग में क्या है इनको लगा दिया जाता है निश्चित अवधि के लिए। तो जब वो अवधि समाप्त हो जाती है उसके बाद इनको क्या है वापस अपने मूल विभाग में या मूल कैडर में क्या है जाना पड़ता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये कहलाती है अवधि प्रणाली या कार्यकाल प्रणाली भी इसको कहते हैं। जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है, सचिवालय में उन पदों को श्रेष्ठ माना गया है जो अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमानुसार राज्यों से कुछ विशिष्ट समय के लिए आते हैं और अपने कार्यकाल की समाप्ति के बाद में राज्य या सेवाओं में क्या है फिर वो वापस चले जाते हैं। सरकारी शब्दावली में इसे क्या है कार्यकाल प्रणाली कहते हैं। इस प्रकार कार्यकाल प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्त प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी केंद्रीय सचिवालय में निर्धारित अवधि के लिए कार्य करता है, जिनका सचिवालय में क्या है अलग अलग पदक्रम, पदक्रम का मतलब अलग अलग जो है टाइम है वो बना होता है। कोई 5 साल के लिए आता है, कोई 4 साल के लिए आता है, कोई 3 साल के लिए आता है। तो अलग अलग अधिकारी का जो कैडर है उसके हिसाब से क्या है, पोस्ट के हिसाब से क्या है इनको भेजा जाता है। एक आती है इसमें नया कॉन्सेप्ट है, वो है डेस्क ऑफिसर प्रणाली। डेस्क ऑफिसर प्रणाली में क्या होता है कि किसी मंत्रालय के सबसे निचले स्तर के कार्यों को क्या है अलग अलग डेस्कों में क्या है व्यवस्थित किया जाता है। डेस्क का मतलब काम जो है, जैसे मान लो कोई कार्य है तो उसमें क्या है कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो एक अलग सेक्शन बन जाता है और उसको क्या है एक आदमी उस काम को सलटाता है। मतलब बड़ी योजना या कार्यक्रम है तो उसके कुछ पार्ट होते हैं, तो उन पार्ट अलग अलग भाग कर दिए जाते हैं कामों के, तो वो क्या है अलग अलग डेस्कों के द्वारा संपन्न किया जाता है। और प्रत्येक डेस्क जो होता है उसमें दो अधिकारी, अर्थात एक अपर सचिव और एक क्या है अनुभाग अधिकारी, या एक अनुभाग अधिकारी और एक सहायक अनुभाग अधिकारी, या दो अनुभाग अधिकारियों को क्या है पदस्थ किया जाता है। ये क्या है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं संरचना के अंतर्गत, सेक्शन ऑफिसर, उप सचिव, सहायक सचिव, अवर सचिव, संयुक्त सचिव। तो ये क्या है, इस प्रकार से क्या है ये दो प्रकार के कोई भी अधिकारी क्या लेकर इनको क्या है डेस्क बनाया जाता है। प्रत्येक अधिकारी जो होता है डेस्क का, प्रत्येक अधिकारी जो है वो डेस्क अधिकारी कहलाता है, जिसकी सहायता के लिए क्या है आशुलिपिक यानी स्टेनो होते हैं और लिपिक होते हैं, ठीक है। और डेस्क अधिकारी मामलों को स्वयं निपटाता है तथा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों के निपटान के लिए क्या है सूचना अधिकारियों को प्रस्तुत करता है। एक्चुअल में क्या है ये डेस्क ऑफिसर प्रणाली जो है ये काम के त्वरित निपटान के लिए क्या है सचिवालय में शुरू की गई है, और काम को क्या खंडों में बांट कर क्या है फटाफट इनको क्या है सलटाया जाता है, और बहुत महत्वपूर्ण मामले जो होते हैं
उनको ही क्या आगे के अधिकारियों तक तो पहुंचाया जाता है और जल्दी से काम के निपटान के लिए बनाई गई है। तो ये है डेस्क ऑफिसर प्रणाली। इसके पश्चात कुछ ये अभ्यास प्रश्न है जो आप हम लोगों ने ये पढ़ा है, कंटेंट उससे रिलेटेड है। सचिवालय की संरचना, सचिवालय के कार्यों का वर्णन, सचिवालय की भूमिका, विपटन प्रणाली क्या है, कार्यकाल प्रणाली क्या है, डेस्क ऑफिसर प्रणाली क्या है। इसके बाद हम अगला जो टॉपिक है वो मंत्रिमंडल सचिवालय जो है, कैबिनेट सचिवालय है, उसको प्रारंभ करेंगे।